अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। तो आज के इस वीडियो में हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे 2000 के बाय डिवीजन मेथड। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्राइम फैक्टर्स जब भी हम किसी वैल्यू को फाइंड करते हैं तो उसे हमें प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना होता है। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? वो नंबर जो सिर्फ दो ही टेबल्स में आते हैं या जिनके दो ही फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं प्राइम नंबर, जैसे कि 2, 3, 5 और ये इसी तरह कंटिन्यू रहते हैं। देखिए ये तमाम वो नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ दो ही टेबल्स में आते हैं, एक अपने और दूसरे वन के, इसके अलावा किसी और टेबल में ये नहीं आ सकते। तो इस वैल्यू को हमें इन्हीं प्राइम नंबर्स में से जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से वैल्यू डिवाइड हो रही होगी उससे हमें डिवाइड करके इसे कम्प्लीटली डिवाइड करना है और फिर ही हम इसके प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। यहाँ हमारे पास जो वैल्यू है वो है 2000 के लास्ट में जीरो है और टू का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में इवन नंबर या फिर जीरो तो वैल्यू टू से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है, यानी कि वैल्यू टू से कम्प्लीटली डिवाइड होगी। टू के टेबल में टू आता है वन पे और टू टाइम्स जीरो इज जीरो, टू टाइम्स जीरो इज जीरो एंड टू टाइम्स जीरो इज जीरो। फिर से लास्ट में हमारे पास जीरो है, अभी भी वैल्यू टू से डिवाइड होगी। यहाँ हम सिंगल डिजिट नहीं ले सकते, टू डिजिट्स लेंगे। टू के टेबल में टेन बिल्कुल आता है फाइव पे एंड टू टाइम्स जीरो इज जीरो, टू टाइम्स जीरो इज जीरो। फिर से हमारे पास यहाँ लास्ट में जीरो है तो टू से ही डिवाइड करेंगे। टू के टेबल में फाइव नहीं आता, छोटा नंबर फोर आता है टू पे, वन हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया जीरो के पास, सॉरी बन गया टेन। टू के टेबल में टेन बिल्कुल आता है फाइव पे एंड टू टाइम जीरो इज जीरो। टू के टेबल में टू बिल्कुल आता है वन पे, टू के टेबल में फाइव नहीं आता, उसे छोटा नंबर फोर आता है टू पे, वन हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया जीरो के पास और ये बन गया टेन। टू के टेबल में टेन बिल्कुल आता है फाइव पे। अब ये बन चुका है 125, लास्ट में ऑड नंबर है, इसलिए वैल्यू अब टू से डिवाइड नहीं हो सकती। टू के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है थ्री और थ्री का डिविजिबिलिटी रूल है कि एक वैल्यू के तमाम डिजिट्स को प्लस करने के बाद अगर ऐसी वैल्यू है जो कि थ्री का मल्टीपल है तो ही वो वैल्यू थ्री से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। तो अगर हम इनको प्लस करें, वन प्लस टू हो जाएगा यहाँ पे थ्री एंड थ्री प्लस फाइव हो जाएगा एट, एट थ्री का मल्टीपल नहीं है यानी कि वैल्यू थ्री से डिवाइड नहीं हो सकती। थ्री के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है फाइव और फाइव का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में फाइव या फिर जीरो तभी वो वैल्यू फाइव से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है या फाइव है, इसलिए हमें फाइव से ही डिवाइड करना है। फाइव के टेबल में ट्वेल्व नहीं आता, उसे छोटा नंबर आता है टेन और वो आता है टू पे, जो टू हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया फाइव के पास और बन गया ट्वेंटी फाइव। फाइव के टेबल में ट्वेंटी फाइव बिल्कुल आता है फाइव पे और फाइव के टेबल में ट्वेंटी फाइव भी बिल्कुल आता है फाइव पे और इस फाइव को भी हमें यहाँ फाइव से ही डिवाइड करना है क्योंकि फाइव के टेबल में फाइव आता है वन पे। यहाँ हम 2000 को कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं और हमारे पास ये तमाम आ चुके हैं प्राइम फैक्टर्स 2000 के। इन्हें हम किस तरह लिखेंगे? सबसे पहले तो हम यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2000 और उसके बाद हम इन तमाम प्राइम फैक्टर्स को लिखेंगे जो कि हमारे पास ये आ चुके हैं। देख लेते हैं कितने टूज हैं हमारे पास, वन टू थ्री फोर, टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू एंड मल्टीप्लाई बाय टू और हमारे पास यहाँ थ्री फाइव्स भी हैं। और अगर हम चेक करना चाहते हैं कि ये प्राइम फैक्टर हमने सही फाइंड आउट किए या नहीं तो हम क्या करेंगे, हम इन सबको कर देंगे मल्टीप्लाई। इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद अगर यही वैल्यू बन रही है जिसके हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए हैं तो उसका मतलब है कि हमने प्राइम फैक्टर बिल्कुल सही फाइंड आउट किए हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।